सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन जीएसटी इनकम टैक्स आईपीओ शेयर मार्केट आईटीआर एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अमेज़ॉन सेलर हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि अमेज़ॉन ने अपनी रेट्स में, अपनी फ़ीस में कुछ रिवीजन किए हैं अमेज़ॉन सेलर से। जो वो फ़ीस चार्ज करती है, रेफरल फ़ीस या कोई और कमीशन जो अमेज़ॉन चार्ज करता है प्रोडक्ट्स को सेल करने पर अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, उसमें की गई हैं रिविजन्स। तो अमेज़ॉन सेलर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेलर हैं तो ये वीडियो देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ क्या क्या रिविजन्स हुई हैं और वो रिविजन्स कब से अफेक्ट होंगी। या फिर अगर आप नए सेलर हैं या आप जुड़ना चाहते हैं अमेज़ॉन के साथ एज अ सेलर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे देखते रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे और जुड़ जाए हमारे साथ एज अ सब्सक्राइबर, फ्यूचर में सभी अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ पूजा। तो चलिए शुरू कर दें हमारा आज का टॉपिक, अमेज़ॉन की रेफरल फीस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये रिवीजन कब से एप्लीकेबल होगी। ये रिवीजन एप्लीकेबल होगी अप्रैल 19, 2018 से, मतलब 18 अप्रैल 2018 तक तो वही रेट चार्ज किए जाएंगे फ़ीस के जो अभी स्टिल अमेज़न की वेबसाइट पे अवेलेबल है, पर 19 अप्रैल से रेट्स में रिवीजन हो जाएगी, वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। एप्लीकेबल टू ऑल द सेलर्स, ये सभी सेलर्स के लिए एप्लीकेबल, चाहे कोई नया सेलर है या कोई पुराना सेलर है या अभी आप अमेज़ॉन के साथ जुड़े हैं, तो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन रेफरल्स फ़ी, उसके लिए टेबल वन दी गई है एंड क्लोजिंग फ़ीस के लिए दी गई है टेबल टू। तो दोनों के लिए अलग अलग प्राइस है अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से, मैं अभी आपको सारे यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेबल टू ओनली FBA सेलर। FBA का यहाँ पर मतलब है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। अगर आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सारा का सारा काम अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे करता है, तो वी हैव रिवाइज्ड FBA वेट हैंडलिंग फी स्ट्रक्चर टू ऑफर लोअर रेट व्हेन योर FBA इन्वेंट्री इज शिप्ड लोकली। तो लोकल अगर आप अपनी इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं, उस केस में अमेज़ॉन ने अपने रेट्स को रिवाइज कर दिया है। विद द न्यू रेट कार्ड यू कैन रियलाइज सेविंग इन योर वेट हैंडलिंग फी इफ़ योर FBA इन्वेंट्री इज शिप्ड लोकली। ओरिजिनली यू विल कंटिन्यू टू रिसीव द मंथली अमेज़न FBA वेट हैंडलिंग रिपोर्ट विद डिटेल्स टू योर FBA ऑर्डर शिप्ड लोकली, रीजनली एंड नेशनली। फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग द revised FBA weight handling fee refer table 3. FBA pick and pack fee, we have revised FBA pick and pack fee for oversize and heavy bulky item. There is no charge to pick up and pack fee rate for small and standard size items. Iske liye bhi bataya gaya hai table 3 mein. FBA ki storage fees ko bhi revise kar diya gaya hai. Zero fulfillment fee for items over ₹20,000. We will continue to offer zero fulfillment fee for all small size and standard size items priced over ₹20,000. फर्स्ट 3 month फ्री रिमूवल, बहुत ही अच्छा एक सर्विस दिया गया है। वी विल कंटिन्यू टू ऑफर फ्री पिकअप एंड स्टैंडर्ड रिमूवल फॉर द फर्स्ट 3 months टू ईच न्यू सेलर हु साइन अप फॉर FBA. लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी अफेक्टिव 30th April 2018, we will charge long-term storage fee for shoe and apparel category for inventory units that had been stored in the FC for 6 months and 12 months respectively. कुछ आइटम्स के रेट इन्होंने यहाँ पर कम किए हैं और कुछ आइटम्स के ज़्यादा भी किए हैं, तो वो भी आपको सारा इस टेबल में पता चल जाएगा। ये जो अमेज़न की पूरी ये प्रोडक्ट की लिस्ट है और फीस है, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं ये रेट्स जो हैं अमेज़न के, जो रिवाइज हुए हैं, जो 19 अप्रैल से इफेक्टिव होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट पे क्या रेट एप्लीकेबल होगा। फिर एक और जो चीज़ दी है, एप्लीकेबल टू ओनली ईजी शिप सेलर्स। ऊपर था FBA के लिए, अगर आपने ईजी शिप ऑप्शन ली हुई है, ईजी शिप वेट हैंडलिंग फी, ईजी शिप वेट हैंडलिंग फी हैज़ बिन रिड्यूस्ड फॉर ऑल स्टैंडर्ड आइटम्स वेइंग मोर देन 500 ग्राम। द चार्जेस फॉर आइटम अप टू 500 ग्राम रिमेनिंग अनचेंज, प्लीज रेफर टेबल 4। तो हर एक चीज़ के लिए इन्होंने टेबल्स में कैटेगराइज किया है। अब टेबल 1 जो अभी हमने बात की थी रेफरल फ़ी की, उसमें क्या चेंजेस होंगे, 18 अप्रैल तक क्या फ़ी इफेक्टिव रहेगी और 19 अप्रैल से क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर दी हुई है। मैं आपको कुछ आइटम्स
की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ। अगर आपको ये पूरी शीट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। बुक्स के लिए 13 थी, 13 ही रहेगी, कोई रिविजन नहीं हुई। मूवीज़ के केस में 9% से 6.5% की गई है। म्यूज़िक के लिए 8% से 8% ही है। वीडियो गेम के लिए 8 से 7% कर दी गई है। वीडियो गेम कॉन्सोल तो ये अलग अलग कैटेगरी है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के लिए कम कर दी है, 12 से 10 कर दिया, पर नॉन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर की बढ़ा दी है 12 से 14। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ आइटम से बढ़ाई भी है, तो केयरफुली देख लीजिएगा किस आइटम पे बढ़ाई है और किस पर घटाई है अमेजोन ने फीस, जो 19 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगी। ब्यूटी प्रोडक्ट 6 से 3% कर दिए हैं। ब्यूटी फ्रेगनेंस 14 to 15% कर दिए, बढ़ा दिया है इसे। लग्जरी ब्यूटी पर सेम है, कोई चेंज नहीं है। हेल्थ एंड पर्सनल केयर पर 7.5 से 11% इवन बढ़ा दिया है। तो कुछ आइटम्स बढ़ाया है, कुछ पर घटाया है। टॉयज 9.5 से 9.5 ही हैं। अप्रैल्स पे जो है, अप्रैल्स का देख लेते हैं। अप्रैल अदर सब कैटेगरी 19.5 थी पहले, अब 17% हो जाएगी 19 तारीख से। अप्रैल एक्सेसरीज 20 to 20 ही रहेगा। इनर वियर पे कम कर दिया है, 15 से 13 कर दिया। स्लिप वियर पे 19.5 से 14.5 कर दिया है। वॉचिस पे 17.5 से 13 कर दिया है। शूज़ पे 13 से 14 शूज़ पे बढ़ा दिया है। हैंडबैग्स पे 12.5 से 11 कर दिया। वॉलेट्स पे 16 से 13.5 कर दिया है। लगेज पे 14 से 7% कर दिया है। किचन नॉन अप्लायंसेज 13.5 से 11.5% कर दिया है। फाइन ज्वेलरी गोल्ड कॉइन्स पे भी 3 to 2% कर दिया है। होम की जो आइटम्स है अदर सब कैटेगरी सेम है, होम वाली में कोई चेंज नहीं है। होम वाली में इवन इम्प्रूवमेंट एक्सेसरीज में इन्होंने फीस बढ़ा दी है। होम इम्प्रूवमेंट एक्सक्लूडिंग एक्सेसरीज पर भी इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। क्राफ्ट मटेरियल्स पे कम किया है, क्लॉक्स पे सेम है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आप पर एप्लीकेबल है, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं वो आप यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा कि किस पर आपकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है, किस पर कम हुई है, आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। डेस्कटॉप पर कोई चेंज नहीं किया गया है, लैपटॉप बैटरी में नहीं है, स्कैनर एंड प्रिंटर पे इवन इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फीस देखना, क्योंकि इसी से आपका प्रोडक्ट का प्राइस वेरी करेगा कस्टमर को, अब आप क्या प्राइस ऑफर करेंगे। ये था टेबल वन। टेबल टू में है सेलिंग ऑन अमेजोन क्लोजिंग फ़ी फॉर ईजी शिप एंड MFN सेलर एंड फॉर FBA सेलर, जो उन्होंने ऊपर बता दिया था वो सेम ही हमने ऊपर पढ़ा भी था। टेबल थ्री है फुलफिल्ड बाय अमेजोन फीस, तो उसके लिए प्लीज नोट फी शॉन इन टेबल अबव इज डिस्प्लेड एक्सक्लूडिंग टैक्सीज, अमेजोन विल चार्ज 18% GST ऑन ऑल फी डिस्प्लेड अबव। तो 18% GST पे एक्स्ट्रा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर FBA ऑर्डर्स द आउटबाउंड शिपिंग वेट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच इंडिविजुअल शिपमेंट बाय एडिंग द पैकिंग वेट टू द ओवरऑल शिपमेंट वेट। वी विल यूज 80 ग्राम, 100 ग्राम एंड 500 ग्राम एज द पैकिंग वेट फॉर स्मॉल स्टैंडर्ड एंड ओवरसाइज आइटम। फिर फॉर स्टैंडर्ड एंड ओवरसाइज आइटम वेइंग मोर देन 1 kg वी यूज डायमेंशनल वेट इफ द डायमेंशनल वेट इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट। फॉर ओवरसाइज हैवी एंड बल्की आइटम वी विल यूज डायमेंशनल वेट इफ द डायमेंशनल वेट इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट। तो मतलब इस तरह से ये वेट डिसाइड करके आपसे फीस चार्ज करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी एडिशनल चार्जेस फॉर इन्वेंट्री स्टोर्ड इन द अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर फॉर मोर देन 6 months विल बी एप्लीकेबल एज पर देयर पॉलिसी। टेबल फोर है ईजी शिप वेट हैंडलिंग फी। नोट लोकल रेट विल बी एप्लीकेबल वेयर द पिकअप एंड डिलीवरी हैपन इन द सेम सिटी, दैट इज इंट्रा सिटी पिकअप एंड डिलीवरी। रीजनल जोन कंसिस्ट 4 regions। दिस फी विल अप्लाई इफ शिपमेंट मूव्स विद इन द सेम रीजन एंड द सर्विस इज नॉट विद इन द सेम सिटी। रीजन वन जो है उन्होंने वो कैटेगरी कर दी है चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड उत्तराखंड। रीजन टू इन्होंने बताया छत्तीसगढ़, दादर, नगर, दीव एंड दमन, गोवा एंड गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। रीजन थ्री में बताया है अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। 4 में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। नेशनल फी विल अप्लाई इफ शिपमेंट मूव्स अक्रॉस द रीजन एंड मिनिमम chargeable weight is 500 ग्राम। इन केस ऑफ आइटम दैट वे मोर देन 500 ग्राम यू विल बी चार्ज इन मल्टीपल ऑफ प्राइस एप्लीकेबल फॉर ईच 500 ग्राम। ये तो ऑलरेडी भी वो करता ही था, तो यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल दी है।
ये सारी डिटेल्स, ये सारा का सारा जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बार बार मैं बोल रही हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे केयरफुली देख लीजिएगा। क्योंकि किसी भी वेबसाइट के साथ अगर आप जुड़ते हैं एज अ सेलर, तो सबसे पहले यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर आपको कितनी फ़ीस अमेज़ोन को या फ्लिपकार्ट को या किसी भी वेबसाइट के साथ आप जुड़ते हैं तो उन्हें क्या फ़ीस आपने देनी है, तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन और कस्टमर का रेट डिसाइड होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इनकी देख लीजिएगा, केयरफुली स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी आइटम का रेट डिसाइड करिएगा। और अमेज़ॉन ने एक और अपना नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है सेलर्स के लिए, AMZ फाइंडर, जिसका रिव्यू आप जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप अमेज़ॉन सेलर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, कोई ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, या अमेज़ॉन सेलर कैसे बनना है, या कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है अमेज़ॉन सेलर से रिलेटेड, या किसी भी और वेबसाइट के आप सेलर बनना चाहते हैं, GST से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो फ्रीली आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्वेरीज के हिसाब से वीडियोज लेकर आएंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी और सेलर के लिए। इसके अलावा इन्होंने अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी है, ईमेल आईडी पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी और फर्दर क्वेरी है, या आपको अपने प्रोडक्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहे तो आप इनसे इस ईमेल आईडी पर क्वेरी कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, या फिर आप सेलर सपोर्ट्स पे जाकर वहाँ से उनके साथ बात करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर से मैं बता रही हूँ कि ये रिवीजन एप्लीकेबल होने वाली है 19 अप्रैल 2018 से, तो अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि उसी के हिसाब से आपके प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा एज अ सब्सक्राइबर। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव अमेज़ॉन सेलर है और उन्हें ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।